अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आपको मिठाई बनाते समय चाशनी बनाने में दिक्कत आती है या इस त्यौहार के अवसर पर आप बाहर की मिलावटी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस मिठाई को बनाने में ना ही हमने अलग से घी या मावा का इस्तेमाल किया है और ना ही अलग से चाशनी बनाने का इसमें झंझट करना पड़ेगा। तो चलिए ये सुपर टेस्टी बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। इस बर्फी को बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मलाई ली है, यानी जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जब हम दूध को ठंडा करते हैं ये कुछ इस तरह की होती है। तो ये लगभग 300 ग्राम मलाई है, तो ये घी और मावा दोनों का काम करेगी, तो इससे बर्फी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम सबसे पहले इस मलाई को पका लेते हैं। तो मलाई को जब हम थोड़ी देर पकाएंगे तो इसमें से घी सेपरेट होने लगेगा और जो मावा होता है वो भी सेपरेट होने लगेगा। तो आपको ना इसमें अलग से घी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अलग से मावा मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर घी तैर रहा है और ये जो वाइट दाने हैं वो मावा का रूप ले लेंगे धीरे धीरे। तो बस इसे हम इतना ही पकाएंगे, क्योंकि बाद में जब हम बर्फ़ी बनाएंगे तब भी ये थोड़ा पकेगा तो उस समय इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ टाटा संपन्न का 100% चना दाल से बना बेसन, जो कि बहुत ही कम मात्रा में तेल या घी को अब्सॉर्ब करता है। तो कम घी में भी हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये 500 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है, इसे हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं। पहले मैं इस बेसन को सूखा ही रोस्ट कर रही हूँ। ऐसा करने से ये जो बर्फ़ी होगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी और इसमें बहुत ही कम घी का इस्तेमाल होगा। साथ ही ये जो बेसन है वो बहुत ही कम तेल या घी अब्सॉर्ब करता है, तो कम घी में भी बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस बेसन को हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो क्वांटिटी ली है बेसन की वो ज़्यादा ली है, तो यदि आप ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ी बना रहे हैं तो किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें तो ये प्रोसेस थोड़ी इजी हो जाएगी। तो बेसन को जैसे जैसे हम भूनेंगे इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगेगी जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। बेसन को जब इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं और फिर इसमें घी वगैरह ऐड करते हैं तो बहुत ही कम घी में बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब ये बेसन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो जो मलाई हमने पका कर रखी थी वो भी अभी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है। तो शुरुआत में जब हम ये मलाई वाला मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे तो ये सूखा सूखा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे ये घी को अब्सॉर्ब कर लेगा और जैसे जैसे बेसन और पकेगा ये काफ़ी अच्छे से फूलने लगेगा और ये जो मिक्सचर है वो और भी ढीला पड़ जाएगा। अब क्योंकि बेसन को हम पहले ही अच्छे से रोस्ट कर चुके हैं तो इसमें कच्चापन भी नहीं रहेगा और ये प्रोसेस फटाफट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि चीनी ले लेते हैं। तो जितना हम बेसन इस्तेमाल करते हैं उतनी ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यदि आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो 500 ग्राम चीनी को हम एक ग्राइंडर में डालेंगे, क्योंकि हम चीनी पीस कर इस्तेमाल करेंगे, और खुशबू के लिए इसमें कुछ इलायची के दाने भी डाल देते हैं तो ये साथ में ग्राइंड हो जाएंगे। तो चीनी का हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये बेसन का मिक्सचर आप देख सकते हैं कि ढीला पड़ गया है, अब ये एकदम परफेक्ट स्टेज है इसमें चीनी मिलाने की। तो चीनी को हम क्योंकि अलग से चाशनी बनाकर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम पीस कर इस्तेमाल करेंगे, तो ये ईजिली इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। तो इस स्टेज पर आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, पहले चीनी को अच्छे से इसके अंदर मिलाएं और जब चीनी अच्छे से पानी छोड़ दे तब गैस का फ्लेम ऑन करें। नहीं तो यदि ये साथ साथ में आपने प्रोसेस की तो चीनी है वो नीचे पैंदे में जाकर चिपकने लगेगी, इससे बेसन भी इसके साथ ही चिपकने लगेगा। तो पहले अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फिर गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसे पका लेते हैं। तो चीनी का जो पानी है वो छूटने लगेगा और ये अपने आप ही चाशनी में कन्वर्ट होने लगेगी। तो अलग से चाशनी बनाने का झंझट ही नहीं करना पड़ेगा और बर्फ़ी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस बर्फ़ी को बनाने में मैंने कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप बर्फ़ी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं या इसमें थोड़ा कलर लाना चाहते हैं तो अपना मनपसंद कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चीनी ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है, तो मिक्सचर काफ़ी ढीला पड़ गया है।
तो जब चीनी पानी छोड़ दे तो उसके बाद भी आप इसे 5-6 मिनट और पकाएं, तो इससे जो चीनी का पानी होगा वो अच्छे से पक जाएगा तो बर्फ़ी भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अब ये मिक्सचर पहले की अपेक्षा थोड़ा सा सेट हो गया है, तो अब ये एकदम परफेक्ट है सेट करने के लिए। तो इसे हम एक घी से ग्रीस के भी ट्रे के अंदर सेट कर लेते हैं, या कोई भी थाली या प्लेट आप घी से ग्रीस करके उसमें ये मिक्सचर सेट कर लें। तो ये देखिए अभी आपको काफ़ी ढीला दिखाई दे रहा है ये मिक्सचर, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो इसे हम सेट होने के लिए रख देते हैं। तो मिक्सचर को लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, अब इस पर हम डेकोरेशन के लिए चांदी का वर्क लगा देते हैं। आप चाहें तो मिक्सचर को सेट करते समय इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ी के पीसेस हैं वो काफ़ी आराम से कट रहे हैं, थोड़े से वक्त में ही ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। तो एक पीस हम निकाल लेते हैं तो ये बहुत ही ईजिली डिमोल्ड हो गया है, और अब इसे हम तोड़कर भी देखते हैं। तो ये देखिए कितनी खस्ता और बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है, ये बहुत ही सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ होती है। तो आप भी इस दिवाली ये मिठाई ज़रूर बनाएं और अपनी हैप्पी दिवाली को और भी हेल्दी बनाएं।